हम में से सभी लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं और इस दुनिया में अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे कई कारण हैं जिससे हम अपनी ज़िंदगी में वो नहीं बन पाते जो मासल वो बनना चाहते हैं। आज की इस मोटिवेशनल वीडियो के जरिए मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिनसे आपके अंदर एक नया जोश, नई ऊर्जा पैदा होगी और साथ ही साथ आपको अपनी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप वो इस वीडियो देखते हो लेकिन कमेंट क्यों नहीं करते। दोस्तों, इस मोटिवेशनल वीडियो से आपके अंदर ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का जज्बा पैदा हो जाएगा, लेकिन कुछ ही देर के बाद आपका जोश फिर से ठंडा हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो के साथ साथ हमें कुछ बातें अपनाकर समझकर अपने जीवन में उतारनी होगी और मोटिवेशन से मिली ऊर्जा और जोश के साथ साथ हमें एक नई स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के हिसाब से ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा, तभी हम अपने तय किए मुकाम तक पहुंच सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में सफल बन सकते हैं। इस वीडियो को हम आई टिप्स के जरिए समझेंगे। टिप्स नंबर 1, आप स्ट्रांग हो। सबसे पहली बात तो अपने आप को कमज़ोर समझना बंद करो और सबसे पहले यही बात मैं अपनी मोटिवेशनल वीडियो के जरिए बताना चाहता हूँ, क्योंकि लाइफ में आई असफलताओं के कारण, मुसीबतों के कारण या फिर लोगों की बातों में आकर वो खुद की क्षमता को भूल जाते हैं और अपने आप को कमज़ोर समझने लगते हैं। लेकिन आप कमज़ोर नहीं हो बल्कि आप बहुत स्ट्रांग हो, इसलिए आगे से कितनी भी असफलताएं या फिर मुश्किलें आए आपको उन सभी डटकर सामना करना है और मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियां का सही से हल निकाल कर एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। टिप्स नंबर 2, अपनी गलतियों को सुधारो। चाहे अतीत में आपने बहुत सारी गलतियाँ की हो, बहुत सारा समय बर्बाद किया हो, लेकिन अब बारी है उन गलतियों को सुधारने के लिए। अब ये पक्का करो कि आप आगे से उन गलतियों को आप नहीं दोहराओगे और जो भी अपनी गलतियाँ की है उनसे एक अच्छी सीख लेकर जिंदगी में आगे बढ़ोगे। टिप्स नंबर 3, आपको हार नहीं माननी है। दोस्तों, मेरी एक बात को हमेशा याद रखो, हारना बुरा बात नहीं है लेकिन हार मान लेना बुरी बात है। और इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि कभी आप अपनी ज़िंदगी में हार नहीं माने, फिर चाहे आपको ज़िंदगी में कितनी भी असफलता क्यों ना आ जाए लेकिन आपको हार नहीं माननी है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपको अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना है, वैसे ही आपको अपने फेलियर से सीख लेनी है और देखना है कि कहां पर कमियां, कहां पर गलतियां हो रही है और किन चीज़ों को सुधारने के लिए ज़रूरत है। बस इन सभी बातों पर आपको काम करना है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। टिप्स नंबर 4, प्रैक्टिकल सोच रखो। लोगों से अक्सर यही गलती होती है कि वो किसी मोटिवेशनल कंटेंट को देखकर जोश में से बढ़ जाते हैं लेकिन प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को सोच नहीं पाते और बिना सोचे समझे बस मेहनत करते हैं और बाद में जाकर उनके हाथ सिर्फ निराशा लगती है। और इस बात को एक उदाहरण से तौर पर मैं समझना चाहूँगा। मेरा एक दोस्त है जो कि पिछले 8 सालों में UPSC एग्जाम की तैयारी कर रहा है लेकिन वो एग्जाम के क्लियर नहीं कर पा रहा है। हर बार एग्जाम क्लियर करने के लिए मेहनत करता है और साथ ही साथ सक्सेस स्टोरी और मोटिवेशनल स्पीच भी सुनता है लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिलती है। इसलिए मेरा ये मानना है कि इतनी कोशिश के बाद, इतना समय देने के बाद अगर कोई चीज आपसे नहीं मिल पा रही है तो कब तक आप सिर्फ मोटिवेशन के नाम पर अपनी जिंदगी जिया करते रहोगे। मैं ये नहीं कहता कि एग्जाम देना गलत है लेकिन कितनी बार आप कोशिश करते रहेंगे ये भी आपको सोचना होगा। हो सकता है कि आप कोई और काबिलियत छुपी हो जिसके जरिए आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। इसलिए किसी भी चीज़ को सही से समय दो, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए कोशिश करो। पर अगर आप बार बार कोशिश करने के बाद भी आपको असफलता मिल रही है तो आपको अपनी काबिलियत को पहचान कर नई अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने की जरूरत है। टिप्स नंबर 5, एक नई शुरुआत करो। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातें हो जाती है जहाँ पर हमें लाइफ में क्या करना है कुछ समझ नहीं आता है, हमें लगता है कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता है और ऐसे में कई सारे लोग अपनी ज़िंदगी से लेकर हताशा और निराशा हो जाते हैं। लेकिन इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे में आपको खुद को थोड़ा सा समय दो और फिर से अपनी लाइफ के नई शुरुआत करो और अच्छे से सोचो कि आगे क्या किया जा सकता है। इसके लिए आप अपने करीबी इंसान के या फिर किसी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हो। साथ ही साथ आप अपनी ताकत को पहचानो, अपनी कमजोरियों पर काम करो, कुछ ऐसे स्किल को सीखो जो कि आपको पैसा कमाने के लिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए काम आ सके। अगर आपको कहीं पर जॉब नहीं मिल रही है तो छोटी से छोटी काम से शुरुआत करो, अच्छा एक्सपीरियंस लो और उसके बाद उस जॉब के साथ साथ ही नए नए अपॉर्चुनिटीज को तलाश करो और अपनी इनकम सोर्स को बढ़ाने के लिए कोशिश करो। आपका हर नया दिन आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए एक नया मौका है।
टिप्स नंबर 6, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। इस मोटिवेशनल स्पीच की वीडियो के जरिए आपको ये बताना चाहता हूँ, जिन लोगों से आपको तकलीफ होती है, जिन लोगों से आपको नेगेटिविटी महसूस होती है, जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और आपको सपोर्ट नहीं करते, उन सब लोगों से खुद से दूर रहो। और वो जो भी कहे, आपको उनकी ज्यादातर बातों को नजरअंदाज ही करना है, क्योंकि इन लोगों से दिमाग में नेगेटिव विचार आते हैं, आपकी मानसिकता नेगेटिव हो जाती है, आप खुद की काबिलियत पर शक करने लगते हैं और खुद को कमजोर समझने लगते हैं। जब लोग आपको कहे कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो, तो इसी में उनकी सोच कमजोर है, आप नहीं। टिप्स नंबर 7, आत्मविश्वास रखो। जब तक आपको खुद पर भरोसा नहीं होगा, तब तक आप लोगों की बातों में आते रहेंगे, जिंदगी में उनके हिसाब से चलोगे और हमेशा किसी न किसी ऊपर पर डिपेंड रहोगे। अगर आपको अपनी जिंदगी में अपने हिसाब से जीना चाहते हो, तो आपको खुद पर भरोसा करना होगा, आपको खुद पर भरोसा करना होगा। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए जिन चीजों पर आप कमजोर हैं या जिन चीजों पर आप डरते हैं, उनसे दूर भागते हो, उन चीजों को बार बार प्रैक्टिस करो। उससे धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और आप खुद की काबिलियत को अच्छे से निखर पाओगे। टिप्स नंबर 8, ये बातें हमेशा याद रखो। कभी कभी अपने आप को किसी से कम मत समझो, किसी की सफलता को देखकर अपनी काबिलियत पर शक मत करो, क्योंकि हम सब में से हर एक इंसान में अलग अलग खूबी होती है। जैसे कि महाशय वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि एवरीबडी इज ए जीनियस, बट इफ यू जज इट्स बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइम ए ट्री, इट विल लाइफ इट्स फुल लाइफ विलिंग दैट इज ए स्टूपिड। इसका मतलब है कि हर कोई प्रतिभाशाली है, लेकिन अगर आप एक मछली को एक पेड़ पर चढ़ने की क्षमता से आंकते हैं, तो वो पूरी जिंदगी ये मानकर चलेगा कि वो मूर्ख है। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो के जरिए हमने जाना कि कैसे हम अपनी पिछली गलतियों को सुधार कर, अपनी काबिलियत को पहचान कर, अपनी कमजोरियों पर काम करके खुद का आत्मविश्वास बढ़ाकर, नेगेटिव लोगों से दूर रहकर और जिंदगी की एक नई शुरुआत करके अपने आप को एक सफल इंसान बना सकते हैं।